हेलो स्टूडेंट। तो कल जो है कि हम लोग देखे थे वर्क पावर एनर्जी, कल हम लोग देखे थे वर्क पावर एंड एनर्जी, और इसमें जो है कि जो फार्मूला देखे थे W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, कल फार्मूला हम लोग देखे थे। और इसमें जो है कि तीन चीज बताए थे कि थीटा का मान जो है कि 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। तो ये तीन, थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा 90 डिग्री, थीटा 180 डिग्री। तो यदि जो है कि थीटा का मान 0 डिग्री होता है, इससे क्या स्पष्ट हुआ कि विस्थापन, विस्थापन जो हुआ, विस्थापन बल की दिशा में, बल की दिशा में हुआ। विस्थापन कहाँ हुआ, तो बल की दिशा में हुआ। ये 90 डिग्री, यदि ठीक थीटा का मान 90 डिग्री बनता है तो विस्थापन क्या होता है, तो बल के लंबवत इसमें विस्थापन, विस्थापन जो होगा वह बल का लंबवत होगा, बल का लंबवत। और 180 डिग्री में क्या होता है कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, विस्थापन, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में। तो यहां तीन चीज पे ध्यान रखना है, थीटा 0 तो विस्थापन बल की दिशा में, थीटा 90 डिग्री विस्थापन बल का लंबवत होगा, थीटा 180 डिग्री विस्थापन बल के विपरीत दिशा में होगा। और इस स्थिति में जो होगा कार्य अधिकतम होगा, कार्य अधिकतम, कार्य क्या होगा, अधिकतम होगा। इस स्थिति में कार्य शून्य होगा, कार्य शून्य, शून्य होगा। और इसमें जो कार्य होगा क्या होगा, ऋणात्मक, कार्य ऋणात्मक, ऋणात्मक होगा, कार्य ऋणात्मक होगा। तो तीन हो गया, थीटा 0 डिग्री, विस्थापन बल की दिशा में। अब विस्थापन जब बल की दिशा में होगा तो कार्य अधिकतम होगा, थीटा 90 डिग्री तो विस्थापन क्या हो गया, बल का लंबवत हो गया। और यदि बल का लंबवत होगा तो यहाँ कार्य जो होगा शून्य हो जाएगा। यदि जो है कि थीटा का मान 180 डिग्री तो इसका मतलब क्या हुआ कि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हुआ, और विस्थापन जब बल के विपरीत दिशा में होगा तो कार्य जो होगा हमेशा ऋणात्मक होगा, कार्य क्या होगा हमेशा ऋणात्मक होगा। और ये जो आता है कि ऋणात्मक कार्य जो होता है ये घर्षण के विरुद्ध होता है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा क्या होता है तो ऋणात्मक। तो ये जो थीटा 180 डिग्री का जो मान होता है वह घर्षण के, घर्षण के क्या हो गया तो गति के विरुद्ध हो गया। तो यहाँ जो है कि थीटा 180 डिग्री तो यहाँ थीटा बराबर, थीटा बराबर 0 डिग्री तो यहाँ कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या हो जाएगा तो कॉस 0 डिग्री में थीटा का मान जब 0 डिग्री आता है तो यहाँ कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होता है, कॉस, कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री बराबर 1 होगा। कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है तो 1 होता है, कॉस 0 डिग्री, कॉस
जीरो डिग्री बराबर वन होगा और कॉस 90 डिग्री। तो यहां हम लोग जो लिख सकते हैं कि कॉस 0 डिग्री बराबर जो हुआ कि 1 हो गया और कॉस 90 डिग्री कॉस भींगा हुआ ज्यादा है इसलिए जो है कॉस 0 डिग्री कॉस 0 डिग्री बराबर जो है कि हम लोग ध्यान में रखेंगे कॉस 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉस 0 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है। कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है तो 0 होता है। और कॉस 180 डिग्री का जो मान होता है वह हमेशा माइनस 1 होता है। और इसी पे जो है कि हम लोग क्या बनाते हैं, न्यूमेरिकल बनाते हैं। यदि जो है कि घर्षण के विरुद्ध जो है कि कार्य किया जाता है, जैसे कोई वस्तु जो है किसी सतह पर चल रहा है और उसके विपरीत दिशा में जो है कि बल कार्य कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, ये वस्तु जो है ये सतह पर जो है ये चल रहा है, सतह पर जो है कि वस्तु चल रहा है और इस वस्तु इस दिशा में चल रहा है और घर्षण जो है कि इस दिशा में घर्षण बल, तो गति हो गया, गति की दिशा हो गया और ये जो हो गया घर्षण, ये क्या हो गया घर्षण हो गया। तो गति और घर्षण, तो घर्षण क्या होता है कि गति के विरुद्ध होता है और जब गति का विरुद्ध होता है तो यहाँ थीटा बराबर जो आ जाता है 180 डिग्री और कॉस 180 डिग्री बराबर -1 होता है। ध्यान में रखेंगे कि कॉस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1 होता है। तो यदि जो है कि वस्तु चल रहा है गति कर रहा है और जो है कि घर्षण, तो घर्षण के द्वारा ये घर्षण गति के विरुद्ध जो घर्षण कार्य कर रहा है, तो इस स्थिति में जो होगा कि कार्य क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर होता है FS cos थीटा। तो यहाँ जो आता है कि μmg होगा और म्यू को हम लोग क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। म्यू क्या हो गया, तो हो गया ये घर्षण गुणांक हो गया। म्यू को हम लोग कहते हैं घर्षण गुणांक कहते हैं। तो डब्लू बराबर यहाँ म्यू एफ जो है, तो एफ के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो म्यू एम जी और ये हो गया एस कॉस थीटा हो गया। तो म्यू एम जी कॉस थीटा, तो ये जो घर्षण हुआ, इस फॉर्मूला को हम लोग ध्यान में रखेंगे कि म्यू एम जी कॉस थीटा और म्यू को जो है कि हम लोग घर्षण गुणांक कहते हैं और ये एम जो हो गया वस्तु का द्रव्यमान हो गया और जी क्या हो गया, तो गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो जब यहाँ जो है कि क्वेश्चन पूछा जाए कि जब कोई वस्तु गति कर रहा है और उसके विपरीत दिशा में जो है कि घर्षण क्या होता है, तो गति के विपरीत दिशा में जो बल कार्य करता है
उस बल को जो है कि घर्षण बल कहते हैं, और घर्षण बल के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह कार्य जो है कि हमेशा ऋणात्मक होगा। और यहाँ जो है कि थीटा का मान, यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा तो 180 डिग्री, यहाँ थीटा हम लोग कितना लेंगे तो 180 डिग्री, थीटा का मान 180 डिग्री लेंगे। अब म्यू जो है कि घर्षण गुणांक दिया हुआ रहेगा, एम जो है कि वस्तु का द्रव्यमान है, जी हो गया गुरुत्वीय त्वरण हो गया, एस हो गया विस्थापन हो गया, और यहां कॉस थीटा, तो थीटा का मान हम लोग कितना लेंगे तो 180 डिग्री लेंगे, और 180 डिग्री कॉस 180 डिग्री में इसका मान जो होता है कि -1 होता है, और उस में जो है कि हम सारे वैल्यू को रख करके जो है कि घर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उस कार्य का जो है कि मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये फॉर्मूला जो है कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। इसके बाद जो है कि यदि वस्तु, यहाँ एक फॉर्मूला ही आ गया। अब इसके बाद जो है कि हम लोग देखते हैं कि वस्तु जो है कि घर्षण के विरुद्ध जो है यदि कार्य किया जाता है तो म्यू एम जी एस कॉस थीटा जो है कि हम लोग वैल्यू दे करके जो है कि कार्य हम लोग निकालेंगे। अब ये गुरुत्व के विरुद्ध यदि कार्य कहा जाए, गुरुत्व के विरुद्ध, तो गुरुत्व के विरुद्ध यदि कार्य कहा जाए, गुरुत्व के विरुद्ध, गुरुत्व के विरुद्ध यदि कार्य कहा जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा कि एम जी एच होगा, एम जी एच होता है, और ये एम जी एच, एम जी एच होगा। तो यहाँ जो है कि एच जो है कि ऊंचाई होना जरूरी है, क्योंकि जब तक वस्तु को हम लोग ऊपर नहीं ले जाएंगे तब तक जो है कि गुरुत्व के विरुद्ध जो है कि वर्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ h जो आता है विस्थापन हो जाता है, वही विस्थापन हो जाता है, और f बराबर जो आता है, ये f बराबर जो आता है mg आ गया, और h जो हो गया ये विस्थापन हो जाता है, विस्थापन, जिसे जो है कि हम लोग स्थितिज ऊर्जा के अंतर्गत जो है कि हम लोग इसको पढ़ेंगे कि MGH जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर उठाया जाता है तो ऊपर उठाने के बाद जो आता है कि किया गया कार्य जो होगा वह कार्य जो है कि कितना होगा, तो हम लोग जो है कि MGH के द्वारा जो है कि निकालते हैं। अब जैसे इस पे जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कि न्यूमेरिकल कैसे जो है कि न्यूमेरिकल पूछता है, तो जैसे मान लिया जाए कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि किसी सतह का, किसी भी सतह, जैसे क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन किसी सतह का घर्षण गुणांक, किसी सतह का घर्षण गुणांक 0.02 है, किसी सतह का घर्षण गुणांक 2 है, इस सतह पर, इस सतह पर, इस सतह पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान, द्रव्यमान का वस्तु, 10 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु, वस्तु पर, वस्तु पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु में विस्थापन 5 मीटर होता है। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य किया
गया कार्य कितना होगा, कितना होगा। तो यहां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी सतह, कोई सतह है तो सतह का घर्षण गुणांक जो है कि 0.2 है, घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक तथा बीमा नहीं होता है। तो घर्षण गुणांक का, यहां जो ये घर्षण गुणांक जो हो गया इसका मात्रक तथा बीमा नहीं होता है। तो एक चीज को हम लोग ध्यान रखेंगे कि मात्रक, मात्रक तथा बीमा, बीमा नहीं होता है, नहीं होता है। तो घर्षण गुणांक का जो है कि मात्रक और बीमा नहीं होता है। तो ये फॉर्मूला, घर्षण गुणांक 0.2 है, इस सतह पर 10 किलोग्राम द्रव्यमान का वस्तु पर बल लगाया जाता है जिसके कारण वस्तु के विस्थापन, वस्तु में विस्थापन 5 मीटर होता है। तो घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ जो है कि म्यू का वैल्यू कितना दिया गया है, तो म्यू जो हो गया 0.2 हो गया। हम लोग फार्मूला जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, तो डब्लू बराबर म्यू एम जी एस कॉस थीटा, ये फार्मूला आ गया हम लोगों का, ये फार्मूला आ गया। फार्मूला क्या होता है, तो डब्लू इज इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा होता है। तो थोड़ा सा जो है कि हम मिटाते हैं ऊपर से, तो ये जो है घर्षण गुणांक, यहाँ घर्षण गुणांक जो है म्यू कितना कहता है, तो म्यू जो है ये 0.2, म्यू हो गया 0.2 हो गया। इसके बाद जो है कि एम कितना कहता है, तो 10 केजी कहता है ये। इसके बाद और क्या कहता है कि बल लगाया जाता है जिसके कारण विस्थापन, यानी एस बराबर विस्थापन हो गया ये 5 मीटर, विस्थापन क्या हो गया 5 मीटर हो गया। तो सारा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कि मेरे पास आ गया है, म्यू कहता है 0.2 आ गया, एम जो मास हो गया 10 केजी हो गया, एस विस्थापन जो हो गया 5 मीटर हो गया। और ये हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि घर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उस कार्य में थीटा का मान जो होगा कितना डिग्री होगा, तो 180 डिग्री। तो घर्षण के विरुद्ध जो भी कार्य होगा उसमें जो है कि हम लोग थीटा कितना लेंगे, थीटा बराबर 180 डिग्री लेंगे। अब यहाँ W इज इक्वल टू म्यू एम जी एस कॉस थीटा, इतना आ गया। तो म्यू का वैल्यू कितना है, तो 0.2 है। एम का वैल्यू कितना है, तो ये 10 केजी है। और जी का वैल्यू हम लोग जानते हैं कि 9.8 आता है, या जो है कि दिया हुआ रहेगा वो वैल्यू लेंगे, और यहाँ जो है कि 10। और तो म्यू एम जी एस कितना हो गया, एस जो विस्थापन हो गया, विस्थापन कितना बता रहा है, तो ये 5 मीटर बता रहा है। और गुने कॉस 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री, क्योंकि घर्षण के विरुद्ध जब भी हम लोग एंगल लेंगे तो एंगल दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ हो तो हम लोग 180 डिग्री का प्रयोग करेंगे, क्योंकि घर्षण के विरुद्ध जो कोण बनता है विपरीत दिशा में, बल के विपरीत दिशा में, गति के विपरीत दिशा में होता है, और जब गति के विपरीत दिशा में होता है तो थीटा का मान 180 डिग्री होता है। अब यहाँ जो है क्या हो जाएगा, तो 2 गुने ये दशमलव खत्म हो गया, ये 10 गुने 5 और गुने -1 हो गया। तो 10 दूनी 20, 20 पचे 100, यानी -100 जूल, -100 जूल। और माइनस साइन क्या बता रहा है कि किया गया कार्य जो है वह गति के विपरीत दिशा में है, क्योंकि पहले भी हम लोग कल लिखे होंगे कि घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य
हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। तो घर्षण के विरुद्ध जो किया गया कार्य होगा, हम लोग इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि घर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह हमेशा ऋणात्मक होता है। और थीटा का मान जो है कि हम लोग को हमेशा 180 डिग्री लेंगे। तो क्या लेंगे, तो घर्षण के विरुद्ध जो एंगल होगा, कोण होगा, थीटा होगा, वह हमेशा 180 डिग्री। तो यहाँ जो है कि हमेशा के लिए दिमाग में हम लोग डाल लेंगे कि घर्षण के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है वह कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य क्या होता है, तो ऋणात्मक। अब यही पॉइंट जो है कि पूछा जाएगा कि घर्षण के विरुद्ध जो कार्य होता है कैसा होता है, तो हमेशा ऋणात्मक होता है। अब जो है कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ ध्यान में रखेंगे कि घर्षण के विरुद्ध थीटा का मान 180 डिग्री होता है, और ये जो है कि कॉस 180 डिग्री बराबर -1 होता है। अब ये अगला क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है कि 10 केजी, 5 केजी, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान, कुछ द्रव्यमान है, और जो है कि उस वस्तु पर क्षैतिज के साथ जो है कि 30 डिग्री के कोण पर, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन कि किसी वस्तु पर क्षैतिज, किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान, किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, इस वस्तु पर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, जिसके कारण वस्तु में क्षैतिज दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो कहता है क्या कि किसी वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है, इस वस्तु पर क्षैतिज के साथ 30 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो जिसके कारण वस्तु में क्षैतिज दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो थोड़ा सा न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कि हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग देखेंगे। तो यहाँ कहता है कि द्रव्यमान कितना है, तो m बराबर हो गया 10 केजी। इसके बाद जो है कि थीटा का वैल्यू कितना बता रहा है, तो 30 डिग्री है थीटा का वैल्यू, और f कितना है, तो f हो गया 10 न्यूटन हो गया, और विस्थापन कितना बता रहा है, विस्थापन हो गया 5 मीटर। विस्थापन कितना है, तो 5 मीटर। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं विस्थापन हो गया s, हो गया 5 मीटर। अब जैसे मान लेते हैं इतना न्यूमेरिकल वैल्यू निकल गया क्वेश्चन के द्वारा,
अब यहां जो है कि जैसे कोई वस्तु है, वस्तु यहां हम लोग फिगर के द्वारा भी देख लेते हैं कि कैसे जो है कि इसको हम लोग, तो ये वस्तु ये है और ये क्षैतिज है और ये जो है कि कितना 30 डिग्री पे जो है कि बल लगाया जाता है, ये एफ बल ये है और इसका मान कितना है, तो ये 10 न्यूटन का ये बल है। तो यहाँ जो है कि क्षैतिज दिशा में विस्थापन कितना हो गया, तो विस्थापन बता रहा है ये 5 मीटर का विस्थापन बता रहा है। तो यहाँ W इज इक्वल टू एफ डॉट एस कॉस थीटा, तो एफ कितना हो गया, ये 10 न्यूटन हो गया। इसके बाद जो है कि एस विस्थापन कितना बता रहा है, तो 5 हो गया और कॉस जो होगा यहाँ कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो ये 10 × 5 और गुने कॉस 30 का, तो कॉस 30 का मान जो होता है कि √3/2, कॉस 30 का होता है √3/2 होता है, तो 2 से ये 5 यानी 25 √3 ये जूल हो जाएगा। तो कार्ज कितना आ गया, 25 √3 कार्ज हो गया, कार्ज बराबर 25 √3 जूल हो गया। तो इस तरह से जो है कि कॉस थीटा में कुछ वैल्यू जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये वैल्यू जो है कि हम लोग को ध्यान में रखना होगा और वैल्यू के आधार पे जो है कि हम लोग किया गया कार्य को, वर्क को जो है कि आसानी पूर्वक जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसमें 3-4 वैल्यू जो है हम लोग लिखेंगे। तो कॉस यहाँ ध्यान में रखेंगे कि कॉस 0 डिग्री बराबर 1, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, तो √3/2 होता है, कॉस 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है वह कितना होता है, तो ये 0, 1, 30, 45, 2 1/√2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 60 का कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/2, कॉस 60 बराबर 1/2 होता है और कॉस 90 बराबर कितना हो जाएगा, कॉस 90 बराबर 0। तो ये कितना वैल्यू हो गया, कॉस 0 = 1 हो गया, कॉस 30 डिग्री बराबर √3/2 हो गया, कॉस 45 = 1/√2 हो गया, कॉस 60 = 1/2। और इसको जो है कि निकालने का तरीका भी जो है कि हम लोग देख सकते हैं कि इसको कैसे जो है कि हम लोग निकालते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि बस 5 वैल्यू जो है कि हम लोग निकालेंगे, तो ये जो है कि कैसे इसको हम लोग निकाल सकते हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 90 डिग्री। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ जो है कि 0 डिग्री, तो 0 डिग्री में जो है कि हम लोग साइन लेते हैं, साइन, तो यहाँ 0 डिग्री में आ गया, तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 और इसका रिवर्स जो होगा कॉस में आ जाएगा, कॉस में ये 0 डिग्री,
ये आ गया 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब जैसे जो है कि 0/4 आ गया, ये 0 आ गया 1/, अब यहाँ सब में जो है कि रूट करेंगे, ये रूट करेंगे, ये तो इसको काटेंगे तो कितना आ गया 1 आ गया, इसको काटेंगे तो √3/√3/2 आ गया, यहाँ जो है कि 1/√2 आ गया, 2/4 1/√2 आ गया, 1/2 आ गया और ये आ गया 0 आ गया। तो cos 0 में 1, cos 30 में √3/2, cos 45 में 1/√2, cos 60 में 1/2 और cos 90 में जो है वैल्यू 0 आ गया। तो ये जो होता है, ये 4 और 5 वैल्यू जो है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और ये cos 90 डिग्री बराबर कितना आता है, तो cos 90 बराबर 0। तो ये 5 और cos 180, cos 180 डिग्री बराबर -1। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू जो है कि हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो 6 वैल्यू अगर दिमाग में रखते हैं तो किसी भी तरह से, किसी भी एंगल से यदि कार्ज निकालने के लिए कहा जाए तो हम लोग कार्ज को जो है कि आसानी से जो है कि निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग हैं। तो ये 5 को 1, 2, 3, 4, 5, 6 को जो है कि हम लोग को ध्यान में रखना है और यही ध्यान में रख करके जो है कि हम लोग कार्ज को निकाल सकते हैं। अब जैसे अगला क्वेश्चन लेते हैं कि कोई वस्तु, किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर क्वेश्चन, किसी वस्तु पर, वस्तु पर क्षैतिज, क्षैतिज दिशा, क्षैतिज दिशा के साथ, क्षैतिज दिशा के साथ 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर, कोण पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है, लगाया जाता है 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसके कारण, जिसके कारण क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में 5 मीटर, 5 मीटर का विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, विस्थापन होता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बल के द्वारा, बल के द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य क्या होगा। तो क्वेश्चन कहता है कि किसी वस्तु पर, किसी वस्तु पर क्षैतिज दिशा के साथ 60 डिग्री के कोण पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसके कारण क्षैतिज दिशा में 5 मीटर का विस्थापन होता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू हम लोग पहले लिख लेंगे। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहता है, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, थीटा का मान कितना कहता है 60 डिग्री, 60 डिग्री के कोण पर जो है, तो यहाँ थीटा का मान कितना हो गया, तो थीटा बराबर 60 डिग्री पहला ये आ गया न्यूमेरिकल वैल्यू। एफ बराबर हो गया 10 न्यूटन हो गया और उसके बाद जो है दिशा में विस्थापन 5 मीटर, तो S बराबर हो गया 5 मीटर हो गया। अब जो है कि हम लोग क्या करेंगे, तो फार्मूला के आधार पर W बराबर F S cos थीटा,
हम लोग प्रयोग करेंगे एफ एस कॉस थीटा। तो एफ एस कॉस थीटा डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू बराबर एफ डॉट एस कॉस थीटा। तो एफ का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया, एस का वैल्यू 5 हो गया और कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री। तो यहाँ 10 गुने 5 और कॉस 60 डिग्री का मान जो है कि अभी तुरंत बताए हैं कॉस 60 का मान कितना होता है, तो √3/2। कॉस 60 का मान √3/2 होता है। कॉस 60 का मान, कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। कॉस 60 का मान 1/2, 1/2। तो 2 से ये 5 हो गया तो कितना हो जाएगा, ये 25 जूल। कार्य कितना हो गया, 25 जूल हो गया। तो हम लोग इस तरह से जो है कि कार्य को आसानी से निकाल सकते हैं। तो सिर्फ जो है कि थीटा का मान जो है कि हम लोग को ध्यान में रखना है, थीटा का मान 0 डिग्री, थीटा का मान 30 डिग्री, थीटा का मान 45 डिग्री, थीटा का मान 60 डिग्री, थीटा का मान 90 डिग्री और थीटा का मान 180 डिग्री। अब जो है कि कुछ अलग तरह का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये यदि हम लोग फार्मूला ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन को किसी भी तरह से यदि घुमाया जाए तो हम लोग जो है कि क्वेश्चन को आसानी से जो है कि बना सकते हैं। अब जैसे जो है अगला क्वेश्चन है कि कोई वस्तु, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है कि 10 किलोग्राम है। मान लेते हैं कि कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 केजी है। कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान जो है कि 10 केजी है। यह जो है कि 10 मीटर प्रति सेकेंड, वस्तु 10 मीटर प्रति सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाता है। वस्तु पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसके कारण 2 सेकेंड के बाद वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील हो जाता है। तो किया गया कार्य कितना होगा, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो बल के द्वारा जो कार्य होगा वह कार्य कितना होगा। तो कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान 10 केजी कहता है और वस्तु 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान वेग से गतिशील है। वस्तु पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसके कारण 2 सेकेंड के बाद वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील हो जाता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो सबसे पहले जो है कि हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू को देखते हैं। तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या कहता है, द्रव्यमान 10 केजी।
तो m कितना हो गया, m का वैल्यू जो हो गया m बराबर हो गया 10 kg. इसके बाद जो है कि वस्तु 10 मीटर पर सेकंड के एक समान वेग से, तो प्रारंभिक वेग u बराबर हो गया 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड हो गया. और जो है कि इस वस्तु पे जो है कि एक बल लगाया जाता है, F न्यूटन का जो है कि बल लगाया जाता है, लेकिन इस बल का मान जो है कि नहीं दिया गया है, कितना न्यूटन का बल लगाते हैं ये नहीं, तो F बराबर जो है कि हुआ कितना बल लगाया गया ये पता नहीं है. इसके बाद बल लगाने के बाद जो है कि 2 सेकेंड के बाद वस्तु का, 2 सेकेंड के बाद जो है कि वस्तु का वेग 20 मीटर हो जाता है. तो t बराबर कितना हो गया, 2 सेकेंड हो गया, और v बराबर जो हो गया 20 मीटर पर सेकेंड. तो इतना न्यूमेरिकल वैल्यू जो है कि हम लोगों को दिया गया है, जिसमें जो है कि W का मान क्या होगा, यानी किया गया कार्य जो है कि क्या होगा, W किया गया कार्य, यही जो है कि हम लोग से पूछता है कि किया गया कार्य क्या होगा, तो W बराबर व्हाट. तो हम लोग जानते हैं कि W बराबर जो होता है Fs होता है, इतना हम लोग जानते हैं कि W जो होता है Fs होता है. तो ना हम लोग को S पता है, ना हम लोग को जो है कि F पता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे. तो जानते हैं कि ये V अंतिम वेग, U प्रारंभिक वेग, T हो गया समय. तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं. तो यहाँ A बराबर V माइनस U बाई T फॉर्मूला का उपयोग करेंगे, जिसमें जो है कि V कितना बता रहा है, तो ये 20 मीटर, U हो गया 10 मीटर पर सेकेंड, और T कितना बता रहा है, 2 सेकेंड. तो यहाँ जो हो गया 10, 20 में से 10 को माइनस कर दिए तो 10 हो गया, और 2 समय नीचे हो गया तो 2 आ गया, बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया. तो A का मान जो है कि हमें निकल गया, A बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया ये. अब जो है कि हम लोग जानते हैं कि F बराबर M गुने A होता है. तो M कितना है, 10 दिया गया है, और A कितना निकल गया है, 5 निकल गया है, तो ये 5 आ गया, तो बराबर हो गया 50 न्यूटन. तो हमें F भी निकल गया, F निकल गया, अब ये S निकालना है. तो S हम लोग कैसे निकालेंगे, अब इसकी आवश्यकता हमें नहीं है, हमें F की आवश्यकता था, F हम लोग निकाल लिए. अब जो है कि क्या करेंगे, तो S निकालेंगे. तो S कैसे निकालेंगे, S कैसे निकालेंगे, हम लोग को A भी निकल गया है, A निकल गया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं A बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब जो है कि हम लोग को S निकालना है, तो जानते हैं कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS. तो वी का वैल्यू कितना है, तो 20 आ गया, तो 20 का स्क्वायर करेंगे, वी का वैल्यू, यहाँ वी का वैल्यू जो है कि 20 है, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो गया, माइनस यू, तो यू का स्क्वायर 10, यानी 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 हो गया, और प्लस 2 गुने ए, ए का वैल्यू कितना निकाले हैं, तो ये 5 निकाले हैं, गुने एस हो गया. अब ये जो है कि 20 हो गया 400, 20 भी है, तो भी 20 गुने 20 स्क्वायर कर दिए तो 400, यू 10 है अब यहाँ, तो 400 माइनस 100 बराबर कितना हो गया, तो 5 दूनी 10 एस हो गया. अब ये 300 बटा 10 बराबर एस, तो एस बराबर कितना निकल गया, तो एस बराबर हो गया 30 मीटर आ गया. अब ये W बराबर F गुने S, F डॉट S हो गया, F 50 हो गया, और ये 30 हो गया, तो 5 यही 15, यानी 1500 जूल आ गया. तो हम लोग कितने आसानी से जो है कि इस न्यूमेरिकल को जो है कि सॉल्व
कर लिए। तो सिर्फ फार्मूला को यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं तो किसी भी प्रकार का जो न्यूमेरिकल है उस न्यूमेरिकल को जो है कि हम लोग आसानी से जो है कि सॉल्व कर सकते हैं। अब यदि जो है कि कहा जाए कि कोई वस्तु जो है कि चल रहा है और उसके गति के विपरीत दिशा में जो है कि बल लगाया जाता है और बल लगाने के कारण जो है कि वस्तु रुक जाता है, तब बल के द्वारा जो कार्य होगा वह कार्य क्या होगा, तो वह कार्य हमेशा ऋणात्मक होगा। और उसका मान जो है कि हम लोग कैसे निकालते हैं तो उसका भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। तो मेन फार्मूला है, यदि फार्मूला को हम लोग ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक यदि देखते हैं और उसका सही से उपयोग करेंगे तो किसी भी तरह से यदि न्यूमेरिकल को दिया जाए तो उस न्यूमेरिकल को जो है कि हम लोग आसानी से जो है कि बना सकते हैं। तो क्वेश्चन 30 का आंसर हम लोग को मिल गया, 1500 जूल आ गया। अब यदि अगला क्वेश्चन जो है कि मान लेते हैं कि कोई वस्तु है और वस्तु है तो उसका द्रव्यमान है जो किसी वेग से जो है कि गतिशील है और इस वस्तु के गति के विपरीत दिशा में एक बल लगाया जाता है और बल लगने के बाद जो है कि वस्तु कुछ समय के बाद रुक जाता है। तो जब रुक जाता है तो बल के द्वारा किया गया कार्य जो होगा कितना होगा। तो जैसे मान लेते हैं कि 10 केजी द्रव्यमान का वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। वस्तु पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसके कारण वस्तु 5 सेकेंड के बाद रुक जाता है पांच सेकेंड के बाद विराम अवस्था में आ जाता है। तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो यहाँ क्वेश्चन कहता है कि 10 केजी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, 10 केजी है और वह वस्तु 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से गतिशील है। वस्तु पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाता है जिसके कारण वस्तु 5 सेकेंड के बाद विराम अवस्था में आ जाता है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लोग पुनः न्यूमेरिकल वैल्यू को लिखते हैं। तो यहाँ 10 केजी, यहाँ द्रव्यमान कितना हो गया, तो 10 केजी, तो m बराबर कितना हो गया, m बराबर 10 केजी। तो यहाँ लिख दिए m बराबर 10 केजी और ये 20 मीटर पर सेकेंड, तो u बराबर 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से जो है ये चल रहा है। तो दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया, वेग से गतिशील है, वस्तु पर एफ न्यूटन का बल लगाया जाता है। इसमें भी जो है कि एफ का मान नहीं दिया गया है कि कितना न्यूटन का जो है कि इस वस्तु पर बल लगाया जाता है। तो एफ बराबर वाट कर देते हैं और उसके बाद जो है जिसके कारण वस्तु 5 सेकेंड के बाद वस्तु
क्या है, तो 5 सेकेंड के बाद जो है कि रुक जाता है, तो समय क्या आ गया, टी हो गया, ये 5 सेकेंड के बाद रुक गया, तो रुक गया तो भी हो गया 0। जब वस्तु विराम अवस्था में आ गया तो विराम अवस्था में आने के बाद भी का मान क्या हो गया, वह 0 आ गया। अब जो है कि हमें किया गया कार्य, बल के द्वारा किया गया कार्य का मान क्या होगा, तो W का मान जो है कि हम लोग को निकालना है कि W का मान जो है कि क्या होगा, तो हम लोग उसी फार्मूला का प्रयोग करेंगे। W बराबर क्या होता है, तो एफ एस, W बराबर हो गया एफ डॉट एस। तो ना हमें F पता है ना हमें जो है कि S पता है, तो कैसे निकालेंगे यहाँ, तो यहाँ पुनः जो है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो A बराबर भी माइनस यू बाई टी। तो यहाँ भी क्या है, 0 आ गया, भी आ गया 0, माइनस यू हो गया 20 आ गया, और टी आ गया 5 सेकेंड, तो कितना आ जाएगा यहाँ, तो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का मान हमें निकल गया, ए बराबर कितना आ गया, तो माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। तो हम लोग एफ बराबर निकालेंगे, एम इन टू ए आ गया, तो एम कितना आ गया, 10 आ गया, ए बराबर -4 बराबर आ गया 40 न्यूटन, तो ये आ गया -40 न्यूटन। तो माइनस साइन क्या बता रहा है कि बल जो है कि वस्तु के गति के विपरीत दिशा है, माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि बल जो है वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लग रहा है, या यदि प्लस आता तो ये वस्तु के गति की दिशा में, तो जब गति की दिशा में रहता तो वस्तु के वेग में वृद्धि होता, लेकिन विपरीत दिशा में लग रहा है इसका मतलब कि वस्तु के वेग में कमी आ रहा है, और वह वेग कितना हो गया है, 0। अब जो है कि हम लोग S का मान निकालेंगे कि S का मान क्या होगा, तो पुनः जो है कि V स्क्वायर हम लोग फार्मूला इसके पहले देखे थे कि फार्मूला क्या है, तो V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर और ये प्लस 2AS फार्मूला हम लोग देखे थे। तो V क्या कहता है, ये 0 आ गया, और बराबर U कितना है, 20, तो 20 भी यहाँ 400 डायरेक्ट लिख दिए, प्लस 2 आ गया, और माइनस A का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, तो ये -4, तो -4 और गुने S आ गया। अब जो है तो यहाँ हम लोग कर सकते हैं 4 × 2 = 8S, तो यहाँ 8S बराबर आ गया 400 आ गया, तो S बराबर ये 400 और बाय 8 आ गया, तो कितना आ जाएगा, 8 × 5 = 40, यानी 50 मीटर। तो यहाँ S हो गया 50 मीटर। अब जो है कि हमें F भी निकल गया है और यहाँ S भी निकल गया है, तो W बराबर F डॉट S, तो यहाँ कितना हो जाएगा, F हो गया -400 और गुने जो हो गया ये 50 हो गया, तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ जो है कि 4 × 5 - 4 × 5 = 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, इतना आ गया जूल आ गया, और इसको -20 किलो जूल। तो ये माइनस साइन क्या बता दिया कि जो कार्य हो रहा है वह गति के विपरीत दिशा में, तो यहाँ एक पॉइंट भी मिल गया कि गति के विपरीत दिशा में जो कार्य होता है वह कार्य भी जो है कि ऋणात्मक होता है। तो इस तरह से जो है कि हम लोग फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, और cos 0 °, cos 30 °, cos 45 °, cos 60 °, cos 90 °, का मान यदि हम लोग ध्यान में रखते हैं, तो किसी भी कोण पे यदि जो है कि कार्य निकालने के लिए कहा जाए, तो हम लोग कार्य को जो है कि आसानी पूर्वक जो है कि हम लोग निकाल सकते हैं। तो कार्य जो है कि फार्मूला को ध्यान में रखेंगे, और पुनः जो है कि हम लोग अगले दिन जो है कि नए कार्य ऊर्जा
तो ऊर्जा क्या होता है, तो कार्य का ही परिवर्तित रूप होता है ऊर्जा, और हम लोग ऊर्जा के बारे में जो है कि विशेष रूप से देखेंगे। ओके बाय।